स्पीक योर हार्ट विद समीना पीरजादा में आज मैंने इनवाइट किया है शुमाइला शाहनवाज़ को। वो गुड्डू शानी की गुड्डू हैं, बहुत प्यार सब करते हैं उनसे, बहुत ही क्रिएटिव हैं, टेक्सटाइल डिज़ाइनर हैं, एड मेकर हैं, फोटोग्राफर शानी के पीछे सारा उनका काम करती हैं, मेकअप स्टाइलिस्ट भी हैं, बहुत कुछ हैं, कैंसर सर्वाइवर भी हैं, पता है आपको, शी इज़ अ टफ लेडी। ये मिलते हैं गुड्डू से। थैंक यू सो मच, आई एम सो ग्लैड यू आर हियर। ये शुमाइला से गुड्डू कैसे बन गया? गुड्डू से शुमाइला बनती हूँ मैं। मेरा ख्याल है कि मुझे याद नहीं कि मेरा नाम कभी शुमाइला था भी। सीरियसली? हाँ, मुझे नहीं याद। कॉलेज में, स्कूल में, घर में, दोस्तों में, लॉज में, टीचर्स सब गुड्डू बुलाते हैं। तो ये गुड्डू है? गुड्डू है, इट्स गुड्डू, गुड्डू है। अच्छा, क्योंकि गुड्डू तो मैंने बहुत, गुड्डू मैंने लड़कों का सुना है। गुड्डू लड़कों का नाम है। एग्जैक्टली, पता नहीं किसने रखा, इसकी कोई हिस्ट्री मेरे पास नहीं। अम्मी ने, अब्बू ने, खाला ने, कुछ बताया नहीं, पता नहीं। अम्मी तो खैर जब पूछना चाहती थी उस वक्त अम्मी थी नहीं, तो वो अब सारे पूछते हैं तो अब, लेकिन अम्मी नहीं। आप कितने बहन भाई हो? हम तीन बहन भाई हैं। दो बहनें और एक भाई या दो जी, भाई? नहीं, दो बहनें एक भाई। मैं सबसे छोटी हूँ, फिर मुझसे बड़ी बहन है, फिर भाई हैं। ओह, सो लाडले हो, नो वंडर गुड्डू हो। लाडले नहीं, 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 नहीं। बिल्कुल भी लाडली नहीं। अम्मा का, अम्मा की फेवरेट बहन थी मेरी, और अब्बा का फेवरेट भाई था, और आई एम द वन जो दोनों का चेला होता है। दोनों बहन भाई का चेला? नो नो, अम्मा अब्बा, अम्मा अब्बा का, अम्मा अब्बा का, दोनों का। तो कैसा बचपन था? बचपन मेरा ख्याल है कि काफ़ी समझदार था। यही लाहौर में पैदा? जी जी जी, लाहौर। अच्छा, बहुत समझदार था, नॉटी बिल्कुल नहीं था, ज़िद्दी भी नहीं था, बहुत समझदार बचपन था। अच्छा, तो कैसी फैमिली थी? बहुत पुरानी लाहौर की फैमिली थी आपकी? जी 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 जी। या किसी और शहर से यहाँ आए थे? लाहौर के, दादा भी लाहौर के। अच्छा, थे। जी जी, पक्के लाहौरी? जी जी, पक्के लाहौरी थे बिल्कुल। और मेरे परदादा शायद गुजरात से थे पीछे। अच्छा, लेकिन दादा का घर इधर ही लाहौर में ही था। अच्छा, यही यही पले बड़े, यही शरारतें की? शरारतें मैं कह रही हूँ बहुत ज्यादा नहीं, तो नहीं की ना, आप तो जिम्मेदार थे। हाँ, उन्होंने की होंगी, मुझे नहीं पता। अच्छा, कितना फर्क था बहन भाइयों में और आप में? मेरी बहन मुझसे 2 साल बड़ी है। अच्छा, फिर 5 साल बड़ा भाई है उससे। अच्छा, 7 साल का गैप है मेरा भाई से। जी जी, भाई से। ओ, और तो जो बहन, आप दोनों बहुत करीब थे, दोनों बहनें या नहीं? करीब तो हम तीनों बहुत हैं आपस में। अच्छा, वेरी क्लोज। वी आर लाइक कोई बाजी और वो भाई नहीं कहते, और लड़ते थे, खेलते थे, सब कुछ करते थे। कैसे खेल खेलते थे? आपस में तो खैर हमारी वैसे ही लड़ते थे, और अलग अलग तो बहुत से खेल खेले। गुड़िया के साथ खेले, शादियाँ की हैं गुड़िया की। आपने गुड़िया से खेला? हाँ बिल्कुल खेला है, गुड़िया बनाई है मैंने, गुड़िया के कपड़े बनाए हैं, और शादियाँ की सी है। जी जी, कपड़े भी सी है और गुड़िया भी सी है। अच्छा, हाँ, तो ये बिल्कुल। तो आप क्या क्या उम्र थी जब आप ये सारी चीज़ें कर रहे थे? अम्मी के सुपरविजन में या ऑन योर ओन? यानी अम्मी, अम्मी भी सीती थी तो उनसे सीखा थोड़ा सा मैंने, और साथ साथ पूछ भी लेती थी, लेकिन खुद ही इसे करता था, खुद ही से करते थे। और बहन को भी शौक था बड़ी? नहीं, उसको नहीं था। नहीं। और भाई को था शौक? नहीं, उसको भी, उनको भी कोई ये शौक नहीं, नहीं था नहीं, कि नहीं, कोई नहीं, बिल्कुल नहीं। सिर्फ आप, आपकी अपनी गुड़िया, आप उनके साथ बिल्कुल गप मार रही हैं। बिल्कुल, उनका जहेज बना रहे हैं, उनकी शादियां कर रहे हैं, और बहुत मजे के, मजे का टाइम। तो आप कैसा बच्चा थी? आप ज्यादा, मतलब ज्यादा पार्ट लेती थी बच्चों के साथ खेलने में, या अलग अलग अपनी दुनिया में? नहीं, खेलती तो थी साथ, ऐसा नहीं है कि नहीं खेलती थी। कजन्स के साथ? हाँ, लेकिन क्वाइट थी थोड़ी। क्वाइट थी? हाँ, बहुत शरारती नहीं थी। कोई याद है, कोई ऐसी याद है जिसमें आप पकड़ी गई कोई शरारत की, या आपको डांट पड़ी और बहन ने की थी शरारत, कुछ ऐसा हुआ था कुछ? नहीं, डांट एज सच नहीं पड़ी, लेकिन छोटी छोटी शरारतें तो ऑफकोर्स हर बच्चा ही करता है। बचपन में हम प्लेज वगैरह करते थे बर्थडेज वगैरह पे, तो मुझे याद है कि एक दफ़ा हमने कहा चलो बिजनेस करते हैं, कुछ अर्न करते हैं। तो एक प्ले हमने
بنایا پورا لکھا اور ڈائریکٹ کیا اور محلے کے بچوں میں ہم نے ٹکٹس بنا کے بیچی اور پھر ایک ہمارا اسٹور روم تھا اس میں ایک پیٹی ہوا کرتی تھی اس کو ہم نے ایز این اسٹیج یوز کیا اور اس پہ پرفارم کیا اور مجھے یاد ہے کہ شاید 2.5 روپے یا اس طرح 3 روپے اکٹھے ہوئے تھے اور پھر وہ 8-8 آنے ہم 5-6 کزن سے اس میں آئے حصے میں اور پھر ہم نے مل کے سب نے اس زمانے میں کوئی ڈرنک آتی تھی تو وہ سب نے مل کے 2-2 سے جو ہے وہ لیے تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں ایز سچ کوئی بہت نوٹی چیزیں نہیں ہیں بٹ یادیں ہیں چھوٹی چھوٹی پڑھائی کا شوق تھا نہیں کتابیں پڑھنے کا نہیں ڈرائنگ کا شوق تھا ڈرائنگ کا شوق ہاں ہمارا سہن ہوتا تھا اس پہ میں بڑی بڑی ڈرائنگس کرتی تھی میں یہ بات فرش کے اوپر بہت انلارج بہت بڑی بڑی ڈرائنگس کرتی تھی تو ڈرائنگس کا شوق تھا بہن کو بھی تھا مجھے بھی تھا اسکول کا پہلا دن یاد ہے نہیں اسکول کا پہلا دن نہیں میری ایک تو میموری کافی مجھے لگتا ہے کہ وہ مٹ چکی ہیں اور ایسے الیوژنس ہیں تھوڑے تھوڑے بہت زیادہ یاد نہیں ہے مگر یہ کس طرح سوچا تھا کہ تصویروں کھینچیں گے اور ایڈز بناؤں گی اور ایک کمپنی ہوگی میری ہاں اور پھر ٹیکسٹائل میں جاؤں گی یہ گڑیا کا کام کھیلتے یہ ہوا نہیں میرا خیال ہے اس میں میجر رول شانی کا ہے اچھا مائی ہسبینڈ ہم یونیورسٹی سے تھے پنجاب یونیورسٹی سے ماسٹرز کیا ہم دونوں نے اور آرٹ آرٹ میں کیا جی جی اچھا فائن آرٹ کمیونیکیشن ڈیزائن میں کیا تو وہ ہمیشہ از دا لیڈر تو وہ مجھے ہمیشہ پش کرتے تھے یہ کرنا ٹین ایجر کیسی تھی کوائٹ بچہ اچھا والا اچھی بچی ہاں اچھا والا بالکل کسی کو تنگ نہیں کرتی کم بولنے والا شرمانے والا پیچھے چھپنے والا اور ایڈجسٹ کرنے والا اس طرح کا بچہ تھی ہمیشہ سے اگر 5-6 لوگ گاڑی میں بیٹھے ہیں بچے تو مجھے پتہ ہے کہ میں نے ہی نیچے بیٹھنا ہے میں نے سیٹ پہ نہیں بیٹھنا اچھا ہاں تو وہ خود سے ڈیسائڈ کر کے اس طرح سے ایڈجسٹ کرنے والا بچہ تھی ہمیشہ سے پھر یہ کس طرح اتنا بڑا کام کر لیا آئی وانٹ ٹو نو شانی کہاں ملے شانی یونیورسٹی میں ہم اکٹھے پڑھتے تھے نہیں مگر پھر مطلب یہ سوچنا کہ ایک شاعر لڑکی کا یہ سوچنا کہ اس شخص کے ساتھ بس شانی نے ہی دوستی کی تھی شانی اس وقت اپنے کسی فیز میں تھے اور ایسے ہی ہماری بات شروع ہوئی اور دوستی آف کورس ہماری 1-2 سال رہی ہے اس کے بعد افیئر شروع ہوا سو بس ہم نے اکٹھے کام کیا انہیں 1-2 سالوں میں انڈرسٹینڈنگ اچھی ہوئی کس نے پروپوز کیا تھا شانی نے جی تو ٹائم لیا تھا کہنے میں ہاں یا میں نے نہیں آئی واز ایگری لیکن میں صرف میری ایک شرط تھی کہ ہم کنٹینیو تب کریں گے جب ہم بڑوں کو بتائیں گے یا شادی کی بات کریں گے فائنل اس کے علاوہ میں کیری آن نہیں کروں گی پھر بات ہوگی گھر والوں کی پھر کون گیا تھا بتانے ابو کو ابو کو نہیں اماں کو بتایا تھا اماں کہتی تھی کہ جب بھی ایسی کوئی چیز ہو تو سب سے پہلے آپ نے مجھے بتانا ہے میں باہر والوں سے نہ سنوں تو وہ اماں ہمیشہ کہتی تھی تو وہی ذہن میں بات تھی تو اس لیے شانی سے بھی کہا پھر خیر گھر والوں کی بات ہوئی اور تو پھر کیا باقاعدہ طور پہ وہ ٹرالی لے کر آئے ہاں سم ہاؤ ویسا ہی ہوا تھا شامی کباب بنائے تھے چیز بال بنائے تھے ہاں سم ہاؤ بٹ ناٹ آپ کیسے آپ ہیں ٹریڈیشنل ہیں آپ میں بہت ٹریڈیشنل ہوں میں چوڑیاں پہننے والی اور پراندے پہننے والی اور کولا پوری کرتے اور آپ یہ جو پہنا ہوا ہے آپ نے تو کیا اس طرح کے بچپن سے آپ کو عادت تھی ایمبرائڈری کا شوق تھا اور مجھے ایتھنک چیزیں اچھی لگتی ہیں کلچر چیزیں اچھی لگتی ہیں نیٹو چیزیں اچھی لگتی ہیں تو یونیورسٹی تک تو بہت زیادہ فالو کیا پھر جب کام میں آئے تو پھر آپ کا اسٹائل کچھ بیچ میں رہ جاتا ہے پھر آپ کو جو پہننے کو ملتا ہے پہن لیتے ہیں لیکن ابھی بھی کوشش کرتی ہوں کبھی کبھی کہ ری انوینٹ کروں اپنا اسٹائل ابھی بھی کریٹو ہیڈ ہوں میجرلی
और जिसमें आप टेक्सटाइल को भी देख रही हैं और टेक्सटाइल को भी देख रही हूँ बिल्कुल और ये वीडियोज जो आप बनाती हैं फोटोज पोस्ट प्रोडक्शन जितने भी काम एस्थेटिक रिलेटेड होते हैं वो सारे मैं ही सुपरवाइज करती हूँ। पहली चीज क्या डिजाइन की थी टेक्सटाइल में? टेक्सटाइल में शानी वगैरह का फैमिली बिजनेस है रेशम घर, उसके लिए डिज़ाइन किया था और उसके बाद तो फिर मुसलसल ब्रांड्स का भी किया है। और पहला डायरेक्ट क्या किया था प्रोजेक्ट? हाँ ये याद करना पड़ेगा, डायरेक्ट काफ़ी किए हैं, सना सफीनाज के डायरेक्ट किए हैं, गुल अहमद का किया है, निशात के किए हैं, वीडियोस का ज़्यादातर मैं ही डायरेक्ट करती हूँ। अच्छा, शानी कैमराज पे होते हैं। पहला मुझे याद नहीं है, सॉरी। अच्छा। तो ये मेरी मेमोरीज बिल्कुल अच्छी नहीं, मुझे वो हो जाता है, इसमें भी हम आते हैं कि ये मेमोरी कहाँ जाती है। नहीं, बट आई वांट टू नो कि हाउ डिड यू गेट इंस्पायर्ड एंड यू न्यू के ये मेरा रास्ता है और इसी पे मैंने चलना है। ये वो जो थिएटर घर में हाँ ये पता नहीं कहाँ से आया और ये एक क्या कीड़ा था अंदर कि अच्छा मेरे ख्याल है कि आर्टिस्ट में आर्टिस्ट हमेशा होता है तो उसको पुश करने की या निकालने की ज़रूरत होती है, जिसमें मेजर रोल ऑफ कोर्स शानी का रहा है। वो एक्सप्लोर करता रहा है, मैं बहुत शाय हूँ, अभी तक शाय हूँ और अभी तक सामने नहीं जाती लोगों के, तो वही पुश करता है कि नहीं तुम ये कर सकती हो, तुम वो कर सकती हो, तुम ऐसे ख़ुद को अंडर करती हो, तो वो हर चीज़ मेरी देखता है फिर उसको पुश करता है कि करो, तो करती हूँ तो हो जाती है बस। मगर ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि पता है यूजुअली मियाँ जो होता है वो जेलस हो जाता है अगर एक आर्टिस्टिक और या एक आगे बढ़ रही हो औरत, एंड आपका सपोर्ट है, शानी आपका एक सपोर्टिव हस्बैंड है, बहुत कभी जेलस नहीं हुए? नहीं 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 बिल्कुल भी, हमारा तो इट्स लाइक बहुत यू आर अ टीम, बिल्कुल हमेशा से वी बीन टुगेदर सिंस 20 इयर्स, तो माशाल्लाह अब तो हमें यू हैव किड्स? जी जी दो बेटियां हैं मेरी। अच्छा। दो बेटियां हैं, एक बेटी 12 साल की है और दूसरी 5 साल की है। तो वो कैसा लगा था जब बेबी पैदा हुआ? वो तो एक आप एज अ मदर आप जानती हैं, वो एक डिफरेंट एक सारा फीलिंग्स होती हैं और आपको लगता है कि आप बड़े हो गए हैं और आप पे जिम्मेदारियां आ गई हैं, आपको मौत से डर लगना शुरू हो जाता है, उससे पहले आप निडर होते हैं, आप कुछ नहीं देखते, तो वो एक डिफरेंट फेज था बिल्कुल। और बड़ी प्यारी बच्ची है। कितने फ़र्क है दोनों में? 6 साल का। 6 साल जी जी जी, क्योंकि अब काम करती थी ऑफकोर्स, तो क्या नाम रखे हैं दोनों के? बड़ी वाले का नाम अमतुल्ला है, छोटी आनिया। अमतुल? अमतुल्ला, अमतुल्ला, इट्स अ वेरी ओल्ड नेम। ये दादी नहीं रखता, नहीं रखता, ये नहीं रखा जाता। ऑल्दो कि वो कहती है कितना मेरा गंदा नाम आपने रखा है, तो ये किसी का नाम नहीं होता। तो उसका क्या पेट नेम है? उसको अमतुल्ला ही कहते हैं, अमतुल्ला ही कहते हैं, अमतू कह देते हैं ज्यादा से ज्यादा। अच्छा, तो वो क्या बन रही है दोनों? अच्छा, वो हर रोज एक कुछ नया बनना चाहती हैं। पहले वो आर्टिस्ट बनना चाहती थी, फिर मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहती थी, फिर फोटोग्राफर बनना चाहती थी, आजकल वो स्टिक हुई है कि मैंने एक्ट्रेस बनना है, सो लेट्स सी। अच्छा, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट। तो अब कुछ करेंगे आप उनको ऐसे मतलब फ्लो करने देंगी जहाँ मर्जी जाएं? बिल्कुल, हम एक्सपेरिमेंट करें। हाँ बिल्कुल, ज़्यादा कुछ नहीं गाइड करते, इतना गाइड करते हैं कि क्या हमारे लिमिटेशंस हैं या कैसे काम करना चाहिए, राइट रॉन्ग क्या है, बाकी आप सब कुछ करें, हर चीज़ अच्छे तरीके से हो सकती है, इसमें कोई। सो मैनेज कैसे किया आपने अपना सारा काम भी और बेबीज़ भी और घर भी? हाँ, बहुत मुश्किल से शुरू में बहुत मुश्किल लगता था, अब तो मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल नम हो गई हूँ और मुझे बहुत अच्छे से मैनेज हो जाता है, अब नहीं पता चलता। और इतने सारे लोग, इतने सारे, इतना बड़ा बिजनेस, और शानी की फैमिली इतनी बड़ी है और सब माशाल्लाह बहुत मिलते हैं, तो बड़ी अच्छी बात है कि वो आपस में मामी और ताई और वहाँ तक आगे कजन्स तक मिलते हैं अभी। So do you cook? Yes. You cook as but not daily. अच्छा। हाँ, कभी कभार जब गेस्ट आए हों तो फिर पकाती हूँ ज़रूर, लेकिन डेली नहीं, पहले दिन ही बल्कि शानी ने किचन में जाने से रोक दिया था कि खबरदार ये काम नहीं करना, कि जितना तुम पढ़ के आई हो या जो टैलेंट है उसको आपने ज़ाया नहीं करना इस तरह से। तो वो ठीक है, कभी कभार पकाना है तो पका लो,
बट ये काम किसी और का है, वो कर सकती है। सो आप इस टीम में, गुड्डो शानी की जो टीम है, इसमें आपका क्या रोल है और शानी का क्या रोल है? वो फोटोग्राफर है? वो फोटोग्राफर, वो इज अ मोर ऑफ टेक्निकल साइड पे। अच्छा। और मैं वो लेंस के पीछे और आप तो ये मेकअप जो आप करती हैं, ये आपने कहाँ से सीखा था? ये भी बस क्योंकि पेंट तो वैसे करते थे, पेंटिंग की हुई थी, तो ब्रश पकड़ना तो आता था ऑफकोर्स, और पेंट से ड्राइंग भी की थी और एनाटॉमी का भी सारा पता था, तो थोड़ी सी फेस को कैनवस समझ लिया, फेस को कैनवस समझ लिया, और शुरू में बस थोड़े से मेकअप्स लेके उनको कॉपी करना शुरू किया। तो किसी से ट्रेनिंग की कहीं गई? नहीं, जो मेकअप के जो स्टूडियोज हैं यहाँ? नहीं नहीं नहीं, कहीं नहीं गई। एक मेकअप आर्टिस्ट था केविन ऑकिन, मेरा ख्याल से का नाम था, तो वो उनकी बुक मैंने पढ़ी थॉरली, उसके बाद फिर मैंने अप्लाई करना शुरू कर दिया, और माशाल्लाह पहले ही साल आई वाज नॉमिनेटेड इन लक्स, सेकंड ईयर आल्सो। उसके बाद फिर एक साल बाद छोड़ दिया था मैंने फिर। क्यों? एक तो टीम बड़ी हो गई थी और काम करने वाले बहुत चीज़ें आ गई थी, तो असिस्टेंट वगैरह आ गए थे तो वो कर लिया करते थे, और काम काफ़ी था, तो फिर मुझे अच्छा लगता है स्विच करना, जॉब स्विच करना। तो अभी इस वक्त क्या है आप? अभी भी क्रिएटिव हेड हूँ मेजरली, और जिसमें आप टेक्सटाइल को भी देख रही हैं, और टेक्सटाइल को भी देख रही हूँ बिल्कुल, और ये वीडियोज जो आप बनाती हैं, फोटोज, पोस्ट प्रोडक्शन, जितने भी काम एस्थेटिक रिलेटेड होते हैं वो सारे मैं ही सुपरवाइज करती हूँ जी। सो व्हाट हैपेंड व्हेन यू गॉट सिक? इनिशियली तो ऑफकोर्स, और ये कितने साल पहले हुआ था आपको पता चला कि आपको कैंसर? एक साल हुआ है, अभी तो चल रहा है ट्रीटमेंट मेरा। अच्छा, अभी चल रहा है? जी जी जी, अभी चल रहा है। इनिशियली जाहिर है कि शॉकिंग तो होता है, तो एक हफ्ता शायद मुझे लगा था आई वॉज अलोन। तो क्या गुजरा था दिमाग से? अकेली थी मैं, और टेस्ट वगैरह जब करवाए तो वो निकल आया, और शानी भी नहीं था पास, और बच्चे सामने थे, उनको बता भी नहीं सक रही थी, और अंदर का मौसम और था, बाहर का और था, बस बार बार ऑफकोर्स जब भी ऐसा, जो मैं पहले भी बता रही थी कि बच्चों के बाद आपको मौत से डर लगना शुरू हो जाता है कि बच्चों के लिए आप रहें, तो बस यही सोचती कि यार छोटी वाली अभी 5 साल की है, क्या होगा क्या होगा, कितना जीना है, क्या स्टेज है, कुछ आइडिया नहीं था उस वक्त। अभी तो टेस्ट हो रहे थे, होने तभी बहुत इनिशियल हुआ था, और अल्ट्रासाउंड वगैरह, फिर खैर आहिस्ता आहिस्ता खुद ही कुछ शानी ने समझाया कि जो होना है वो होना है, उसके लिए आज ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है, तो बस फिर अपने आप को समझाना शुरू किया, अल्लाह पे बिलीव किया कि अल्लाह ने शायद चूज़ किया था इस चीज़ के लिए, ये एक इम्तिहान है, और आई एम द चोजन वन मेरा ख्याल है, तो इम्तिहान को अच्छे तरीके से पास करना चाहिए, अच्छे नंबरों में पास करना चाहिए। अच्छी अच्छी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में जब होती हैं तो आप बहुत वेलकम करते हैं उसको, जब भी थोड़ा सा बुरा होता है तो आप कहते हैं क्यों हो गया मेरे साथ ऐसे, तो मुझे लगा कि ऐसे नहीं करना चाहिए, तो अगर अल्लाह ने आपको कोई इम्तिहान दिया है तो उसमें भी अच्छे नंबरों से पास होना चाहिए, अच्छे तरीके से पेपर करना चाहिए। तो सबसे पहले किससे शेयर किया था? शानी से ही ऑफकोर्स, बल्कि शानी ही मेरे टेस्ट वगैरह करवा रहा था, कराची में था मैं, लाहौर में थी, हम टर्की में थे दोनों, जब मुझे फील हुआ कि लम्सा है कुछ, तो 2 दिन बाद हम आ गए, मैं लाहौर आ गई, वो कराची चला गया, तो बस उधर से कहते रहे जाओ 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 टेस्ट कराओ, फिर मैं गई हूँ टेस्ट कराने, फिर उन्होंने मुझे अल्ट्रासाउंड के लिए भेज दिया, वहाँ से मुझे पता चल गया है कि देर इज़ समथिंग रॉन्ग ना, वरना उधर से ही मैमोग्राम पे मना कर देते कि नहीं है कुछ, मैमोग्राफ सॉरी, और फिर जब अल्ट्रासाउंड के लिए गई तो वो डॉक्टर्स जो अपनी ज़ुबान में कुछ कहते हैं, तो अब मेरा ध्यान तो बिल्कुल वहीं पर था, तो वो निकलते ही मैंने फिर गूगल किया तो पता चल गया कि देर इज़ समथिंग। बस फिर वो 2-3 दिन के बाद फिर शानी आया, फिर शानी ने सबको बताया इस तरह से, फैमिली को, बहन को। बेटियों को किस तरह बताया था? बेटियों को हमने बता दिया था शुरू में ही, और समझा दिया था कि कोई मसला नहीं है, क्योर हो जाएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है,
माशाल्लाह वो भी बड़ी बेटी मेरी काफ़ी मैच्योर है और अच्छा कॉपरेट किया सब ने बहुत. कैसे बदल दिया इस सिचुएशन ने आपको इस सानहे ने के? मेरा ख्याल है कि एक नया चैप्टर खुला है ज़िंदगी में और हर फेज़ में ज़िंदगी के नए नए चैप्टर खुलते रहते हैं और इंसान की तरक्की होती रहती है. मेरे हिसाब से एक प्रमोशन थी जो अल्लाह की तरफ से आपको मिली है. आप एक स्टेप आगे जाते हैं, आप प्योरीफाई करते हैं अपने आप को, आप अपनी चीज़ें ठीक करते हैं, अपनी गलतियां सुधारते हैं. सो मेरे हिसाब से एक ब्लेसिंग है कि आपको अल्लाह ताला कोई जब तकलीफ़ देता है तो उसमें से जो पॉजिटिविटी निकलती है या जो उसकी अदर साइड है वो देखनी चाहिए. हमेशा आप नेगेटिव साइड पे देखते हैं लेकिन अगर पॉजिटिव साइड पे देखें तो मेरा ख़्याल है कि मुझे अपनी खामियां दूर करने का मौका मिला और लाइफ डिसिप्लिन करने का मौका मिला. हॉस्पिटल के लिए हम काम कर रहे थे, कैंसर हॉस्पिटल के लिए, उसके लिए मेरी मोटिवेशन और बढ़ी. तो ये उसकी प्लस साइड थी मेरा ख्याल है. तो मतलब सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये आप कह रही हैं कि गलतियाँ अपनी बदल लें. वाई आर यू सेइंग दिस कि ये क्या अल्लाह के करीब आपको ले आया ये सानहा ज़्यादा, या आपके आप ज़्यादा अपने बच्चों में अपनी बेटियों को टाइम देने लगी? या बिल्कुल सब कुछ ही होता है. इंसान तो एक पूरा पैकेज है. हाँ. उसने अल्लाह के करीब भी रहना है, उसने इंसानों के करीब भी रहना है, उसने अपनी जिम्मेदारियाँ भी निभानी है, उसने सब कुछ करना है. और आपने काम छोड़ा अपना? नहीं, काम मेरा डबल हो गया बल्कि. जी बल्कि पहले तो मैं और शानी मिलके काम करते थे मोस्टली, उसके बाद मैंने फिर इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स भी किए माशाल्लाह. और साथ में आप कीमो भी करा रही थी? साथ में सब कुछ, सारा ट्रीटमेंट भी चल रहा था और साथ में बच्चे भी थे और हर काम करना. ज़्यादा एक्टिव हो गई पता नहीं क्या हुआ और शायद मैंने और पॉजिटिव भी ज़्यादा हो गई. बहुत पॉजिटिव. मैंने बस एक ट्रिक था मेरा कि मैंने शुक्र किया बस हर स्टेज पे. आप बहुत सारी स्टेजेस आती हैं, बाल उतरते हैं आपके, आईब्रोज उतर जाती हैं, मोटे हो जाते हैं. तो वो जब ये चीज़ें हुई मुझे कभी दुख नहीं हुआ, मुझे बहुत मज़ा आया, मैंने बहुत इन्जॉय किया कि अल्लाह ताला ने मुझे चूज़ किया है और मैं इतनी आसानी से चीज़ें इन चीज़ों से गुजर रही हूँ. तो मुझे इस चीज़ की खुशी होती थी कि मैं अच्छी तरीके से अल्लाह ताला का जो इम्तहान अल्लाह ने दिया मैं उस अच्छे तरीके से गुजर रही हूँ, पास कर रही हूँ उसको. सो बस ये था. ज़िंदगी एग्ज़ाम बहुत बड़ा एग्ज़ाम. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है इंसान की जब ऐसा कोई एडवर्स सिचुएशन आए, इम्तिहान जिसे आप कह रही हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है उस वक्त? इंसान को उस वक्त क्या करना चाहिए? मुझे ये पता करना है कि आपने अपने माइंड को ऐसा कैसे बनाया कि आप अल्लाह का शुक्र अदा कर रही हैं और आप कह रही हैं मैं सुरखुरू हो रही हूँ. ये जो पॉजिटिविटी है ये उस किस लम्हे में आई थी? बताना तो शुरू कर दिया था लोगों ने भी और शानी ने भी ट्रेन करना शुरू कर दिया था, लेकिन वो बातें सिर्फ आपको बातें लगती हैं उस वक्त, अनलेस के खुद से फील ना करो और उसको एक्सपीरियंस ना करो. उन दिनों में आप किसी तरह बताना चाहिए, यू नो, आप किसी तरफ भी जा सकती थी ना, किसी तरफ भी जा सकती थी, आप डिप्रेस भी हो सकती थी, आप बहुत रो भी सकती थी. बिल्कुल. लेकिन मैं हमेशा से पॉजिटिव ही रही हूँ, मैं कभी उस तरह का पर्सन रही नहीं हूँ कि जो चीज़ों को नेगेटिव लेते हैं, मैं पॉजिटिव ही लेती हूँ. लेकिन खैर ये एक बहुत बड़ी चीज़ थी, यहाँ पर बिल्कुल ये हो सकता था कि मैं किसी तरफ भी जा सकती थी. लेकिन जब आपकी सपोर्टर्स ऐसे हों, पॉजिटिव हों और कुछ चीज़ें आपको इशारे मिलते हैं, फिर उससे आपको समझ आती है कि ये सिर्फ एक बीमारी नहीं है, इलनेस नहीं है, ये कुछ काम कराना है अल्लाह ताला ने और आपको चुना है अल्लाह ताला ने. तो वही बस वो जब मुझे ये डायग्नोस हुआ है
उसी दौरान जिस हॉस्पिटल के लिए हम काम कर रहे थे, पहले से एक साल पहले से काम कर रहे थे, उसमें कुछ फंड्स की कमी आई हुई थी और रेडिएशन मशीन्स आने वाली थी और उनके लिए बंकर्स चाहिए होते हैं और बंकर्स बनने थे और वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, तो वो फंड्स रुके हुए थे। तो डॉक्टर साहब ने डिस्कस किया इस तरह से कि ये हो गया, और मैं घर पे थी और काफ़ी टिप्स मिलती हैं जब बीमार अब हो जाते हैं ना, फिर काफ़ी टोटके मिलते हैं, टोटके और सब डॉक्टर्स बन जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो काफ़ी आए। मेरी कज़न का फ़ोन आया मुझे और उसने कहा कि सदका दो, और मैंने कहा मैं सदका नॉर्मली तो रोज़ ही देती हूँ, मतलब मेरी रूटीन है कि मैं रोज़ कुछ ना कुछ डालती हूँ और शाम तक खाली कर देती हूँ बैग अपना। तो उसने कहा नहीं नहीं ऐसे नहीं, कुछ ऐसा कि जिससे दिल को हाथ पड़े, कुछ बड़ा। तो फिर हमने एक कुछ बड़ा किया और उसके बाद आई वॉज सो रिलैक्स पहली कीमो पे। मेरा ख्याल है काफ़ी अरसे बाद मैं इतनी रिलैक्स फील किया, फिर मुझे समझ आ गई कि ये किस वजह से हुआ। सो दैट वॉज द टर्निंग पॉइंट जो आप कह रही थी शायद, बिल्कुल, क्योंकि अब आपको एहसास है। हाँ, मुझे एहसास उस वक्त आप काम कर रही थी। हाँ, इस वक्त आप एहसास है एहसास कि क्या होता है, क्या गुजरती है, बिल्कुल, और कितनी सख्त सख्त जरूरत होती है मदद की, उस मदद की। हाँ, मैंने उसको एक्सपीरियंस किया फिर। हाँ, आपके हाथ से ये काम करवाना था मेरे अल्लाह ताला ने, हाथ से काम कराना था बिल्कुल। वो जो डोनेशन हमने की वो मैंने अपने घर के लिए रखा हुआ था सारा, और फिर शानी कहा कि नहीं दे देते हैं। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है दे देते हैं। तो वो मेरा ख्याल है कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया की बजाय कहीं और कहीं बेहतर कुछ बनवाना था, जो मैं कह रही थी कि ये प्रमोशन होती है, एक तरह की तरक्की होती है कि अल्लाह ताला आपको ऐसे इम्तिहान में डालते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये मुझे अपने इस प्रोजेक्ट के बारे में बताएं, ये कहाँ बन रहा है, इसका मकसद क्या है, इसके पीछे आपकी क्या है, जो इसका जो सोल है इस प्रोजेक्ट का जी, जी, वो क्या है? जी, डॉक्टर शहरयार हैं इसके फाउंडर। ठीक है जी। और ऑनकोलॉजिस्ट हैं? जी ऑनकोलॉजिस्ट हैं, सीनियर ऑनकोलॉजिस्ट हैं, और ये रायवन रोड पे बन रहा है। अच्छा। और बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, मेरा ख्याल है कि एशिया के बड़े हॉस्पिटल में से होगा। 400 बेड्स का हॉस्पिटल है और तीन इसकी स्पेशलिटीज़ हैं। एक तो ये ब्रेस्ट कैंसर स्पेशलाइज होगा, पूरी ट्रीटमेंट होगी। एक इसकी रेडिएशन, सबसे ज़्यादा रेडिएशन मशीन्स यहाँ पे होंगी। लाहौर में बहुत कमी है रेडिएशन मशीन्स की, इतनी कमी है कि मैंने अपनी रेडिएशन के लिए टाइम लिया था, शौकत खानम से भी 3-4 महीने का टाइम मिला और अनमोल से तो मुझे 8 महीने का टाइम मिला। और जब आप रेडिएशन के लिए लेट करते हैं तो रीअक्रंस हो जाती है नॉर्मली कैंसर की, तो वो उस पेनफुल प्रोसेस से आपको फिर से गुजरना पड़ता। तो इसकी स्पेशलिटी है कि हम 6 मशीन्स माशाल्लाह लगा रहे हैं, जिसमें से 6 की 6 जो हैं ऑर्डर हो चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और तीसरा एपिलेटिव केयर बना रहे हैं। नॉर्मली सेकंड स्टेज के बाद या थर्ड स्टेज के बाद कोई आपको हॉस्पिटल लेता नहीं है, लेकिन वो इतना बुरा फेज़ होता है लोगों के लिए, इतना बुरा फेज़ होता है कि हमने ऐसे किस्से भी सुने हैं कि लोग अपने पेशेंट को छोड़ जाते हैं, वो खून की उल्टियां कर रहे हैं, कुछ हो रहा है, मुझे पता है। तो वो, और वो हाँ, तो घर वालों के लिए भी बन जाता है, फोड़े बन जाते हैं जी, घर वालों के लिए भी मुश्किल हो जाता है और पेशेंट के लिए तो बेचारे के लिए मुश्किल होता ही है। सो द कोर आइडिया वाज कि जो जाने वाले हैं उनको अच्छे तरीके से रुखसत किया जाए, उनको पेन से ना गुजारा जाए, कंफर्ट दिया जाए, कंफर्ट दिया जाए, तो उनके वो जो आखिरी लम्हात हैं उनमें आसानी पैदा की जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कब तक तैयार होगा ये सारा प्रोजेक्ट? अब पहला तो ब्लॉक बन गया है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। बिल्कुल। और ये ऑपरेशनल है अभी या नहीं है? नहीं, ऑपरेशनल उस तरह से हॉस्पिटल ऑपरेशनल नहीं है, लेकिन जो हॉस्पिस है वहाँ पे मरीज हैं, वहाँ पे आते हैं। बिल्कुल। अच्छा। वहाँ पे देखते हैं लोगों को, सर्जरी भी फ्री करते हैं, सारा कुछ अभी। अच्छा। चल रहा है, लेकिन नाम क्या रखा है आपने इस प्रोजेक्ट? कैंसर केयर हॉस्पिटल के नाम, कैंसर केयर हॉस्पिटल। जी जी बिल्कुल। और मैमोग्राफी की 3 वैन्स हैं हमारी,
दो तीन मशीन्स लगी हुई हैं, उस पर फ्री मेमोग्राफी होती है, सर्जरी होती है, डॉक्टर्स देखते हैं, अल्ट्रासाउंड होता है, सब कुछ फ्री है ऑलमोस्ट जी। तो कोई टोकन मनी होती है? नहीं नहीं, नथिंग, आप जस्ट जाइए और आपका इलाज होगा। बिल्कुल, एक रुपया भी नहीं लेते और फ्री में सब कुछ। और अल्हम्दुलिल्लाह हॉस्पिटल भी बन रहा है, लोगों का इलाज भी चल रहा है, पैरेलल सब कुछ हो रहा है। अब कोशिश है कि रमज़ान से पहले पहले या रमज़ान तक ऑपरेशनल कर दिया जाए हॉस्पिटल का पहला ब्लॉक इंशाल्लाह। तो आपको ये फ़ंड कहाँ से मिलते हैं? क्या आप आ रहे हैं, ओपन आ रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं कि हमें फ़ंड चाहिए रमज़ान में जब लोग ज़कात देंगे? जी तो, जी जी बिल्कुल, तो बिल्कुल फंड्स चाहिए और लोग फंड्स, माशाल्लाह पाकिस्तानी कौम बहुत, हाँ बिल्कुल फिलंथ्रोफी में हाँ, बहुत बहुत, हाँ। बहुत आगे हैं। तो अभी तक भी जितना बना है सब उन्होंने दिया है और बस अब थोड़ा सा रह गया है। और बल्कि अगर कोई इस इंटरव्यू को देख रहा है और देना चाहता है तो प्लीज़ ज़रूर हेल्प करें, क्योंकि बहुत मुश्किल है। किसी मैं अफोर्ड कर सकती थी या मेरे जैसे और अफोर्ड कर सकते हैं, जो लोग नहीं अफोर्ड करते वो मौत को सेलेक्ट करते हैं कि इतने पैसों से मैं अपनी बेटी की शादी कर लूँगी या इतने पैसों से मैं अपने बेटे को सेट कर दूंगी या, और कुछ बताते भी कुछ नहीं, कुछ बताते भी नहीं है। ये भी बहुत गलत है, बहुत बहुत कि बताना चाहिए और फौरन, ताकि वो बात इतनी बढ़े ना, बढ़े ना, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ इसीलिए भी नहीं बताते, कुछ लोग शर्म के मारे नहीं बताते, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं बहुत खर्चा हो जाएगा, तो उस तरह से माएँ तो स्पेशली जो है ना वो उसको अवॉइड करती हैं। लेकिन ज़रूर बताना चाहिए और ज़रूर बच्चों से शेयर करना चाहिए, ज़रूर बच्चों से शेयर करना चाहिए। अगर आप इनिशियली बता देंगे तो बहुत आसान है, उस आप कम पेन से गुजरेंगी, आप का इलाज भी सस्ता होगा और सर्वाइव करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं फिर इनिशियल स्टेज पे। आज आप कहाँ खड़ी हैं? आज मैं, मेरा ख्याल है कि कहीं हवा में हूँ कहीं किसी और जोन में हूँ, बिल्कुल एक अलग फेज चल रहा है। बिल्कुल, जैसे मुझे पता है जैसे मैं कि अल्लाह की टीम में काम करें, इट्स लाइक दैट। सो बहुत मज़ा आता है सोच के, बहुत अच्छा लगता है। लोग कहते हैं कि आपने बड़ी बहादुरी से ये सारा फेज़ गुजारा है, मैं उनको कहती हूँ कि मैंने बहादुरी से नहीं गुजारा, मैंने आई लिटरली इन्जॉयड इट। और मेरा ख़्याल है कि चीज़ों को अगर माइंडसेट अपना ठीक कर लें और चीज़ों को पॉजिटिव लेना शुरू कर दें तो तकलीफ़ भी कम हो जाती है, आपको नहीं पता चलता, मुझे नहीं पता चला बिल्कुल भी। और इसके अलावा आप अब कैंसर फ्री हैं? आपको वो मिल गया है? नहीं अभी नहीं मिला, अभी मेरा इंजेक्शन कुछ रह गया है। कुछ वो देते हैं ना आपको कि नाउ यू आर कैंसर फ्री, है ना? हाँ, बट वो सर पे तलवार लटकी रहती है। हाँ। वो फिर स्कैनिंग वगैरह कराते रहना पड़ता है, अभी वो स्कैनिंग फाइनल तो नहीं हुई, अभी मेरे इंजेक्शन कुछ रहते हैं, उसके बाद फिर होपफुली अल्लाह करे। अल्लाह क्या करेंगे जब आपको डॉक्टर कहेगा यू आर कैंसर फ्री? मुझे अभी नॉर्मल लगता है, आई एम ओके अभी भी तो। अच्छा। हाँ बिल्कुल, ऑल्दो कि मुझे लगता है कि मुझे दोबारा हो जाएगा। क्यों, ऐसा क्यों फील होता है? पता नहीं आई डोंट थिंक सो। नहीं, मैं डर नहीं रही। हाँ। और मैं नेगेटिवली सोच रही। आपकी जब आपकी जो इतनी पॉजिटिव एनर्जी है जी, और उस यू नो आपको जो रास्ता दिखाया है अल्लाह ने, आई डोंट थिंक सो कि नहीं आप मेरे ख्याल में मरना कोई नेगेटिव चीज नहीं है, मैं उसको नेगेटिव नहीं ले रही। लेकिन आप क्या समझते हैं आपके जिम्मे और क्या क्या काम है? बच्चे हैं, उनको बड़ा करना है बस, और वो जो काम है जो इतने सारे लोग आपके अंडर काम कर रहे हैं उनकी तो भी जिम्मेदारी है, वो तो शानी संभाल लेंगे, लेकिन अच्छा। बच्चों के लिए माँ का होना मेरा ख्याल है कि इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि छोटी वाली मेरी बिल्कुल 5 साल की है अभी और बहुत अटैच्ड है मेरे साथ, तो मेरा ख्याल है सबसे ज़रूरी बच्चे हैं, बाकी तो सब चल जाता है। आप अपने आप को क्या ऐसे डिफाइन करेंगे, कौन है आप? कौन हूँ मैं, क्या बताऊँ कौन हूँ?
आप बताएं। अल्लाह का सिपाही। मेरा ख्याल है वो जो मैं कह रही थी कि मुझे लगता है कि मैं अब अल्लाह की टीम में से हूँ, अगर बस अल्लाह ऐसे पॉजिटिव ही रखे और सही ट्रैक पे रखे। नॉर्मली ऐसा होता है कि जब तक आप पे मुश्किल होती है आप सही ट्रैक पे रहते हैं, और जब भी आप ठीक होते हैं तो आप फिर ऑफ ट्रैक हो जाते हैं। सो ये दुआ मांगना भी साथ साथ बहुत ज़रूरी है कि अल्लाह ताला आपको सही ट्रैक पे रखे, अपने रास्ते पे रखे। ज़िंदगी क्या है? ज़िंदगी एग्ज़ाम, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा एग्ज़ाम, एग्ज़ाम और ब्लेसिंग भी है, गिफ्ट भी है। और ज़ाहिर है कि एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं तो उसका कोई रिवॉर्ड भी होगा, तो इसलिए इससे गिफ्ट भी कि आपको मौका मिला है कि आपने इस एग्ज़ाम में से गुजरना है और मेहनत करनी है और उसका फल मिलना है आपको। और मौत क्या है? मौत डेस्टिनेशन, फाइनल मीटिंग अल्लाह के साथ। आपको समझ आई कभी कि ये सब लोग कहाँ चले जाते हैं? कभी सोचते हैं आप? हाँ, मुझे बहुत डर लगता था मरने से पहले। और जैसे आप अपने प्यारे को छोड़ आते हैं, मिट्टी के अंदर उतार आते हैं, तो मुझे बड़ी अजीब वेट लगती थी पहले ये बात। और मैं रोज़ रात को लेटते लेटते। आपकी ज़िंदगी में कितने लोग आपने खोए हैं? बहुत करीबी लोग, और बहुत शुरू से ही मेरा ख्याल है कि 10 साल पहले से बहुत प्यारे दोस्त, हम 5-6 दोस्त थे, उसमें से एक दोस्त का एक्सीडेंट हो गया, उसकी गाड़ी दरिया में गिर गई। वी वर सो क्लोज, हमारे लिए वो एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था। वो रात हमने जैसे गुजारी है वो हमें पता, बस उसके बाद मेरा ख्याल है हम बदल गए दोनों। फिर उसके बाद अम्मा गईं, अम्मा भी मेरे हाथ में दम दिया उन्होंने। वो एक अजीब फेज था, उसके क्लेम्स से आते हैं, उसके अपने जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, जो नहलाया अम्मा को, वो एक अजीब एक्सपीरियंस था। फिर एक और दोस्त हमारा, उसका एक्सीडेंट हुआ, तो ये बदल दिया सब कुछ इन चीज़ों ने। लेकिन मुझे डर था मौत से बहुत ज़्यादा बच्चों के लिए, तो रोज़ रात को मैं लेट के सोचती थी कि अल्लाह ताला इतनी ज़िंदगी दे के बच्चों के सर पे सलामत रहें। लेकिन जब ये हुआ फिर बिल्कुल रिवर्स हो गया, फिर मुझे डर लगना बंद हो गया, फिर मैं बिल्कुल रिलैक्स हो गई। सो ये भी एक पॉजिटिव साइड थी बिल्कुल। और पूछे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अल्लाह करे कि आपको शिफा नसीब हो, मुकम्मल सेहत याबी नसीब हो, और आप जीती रहें, खुश रहें, और आपका साया हमेशा सलामत रहे आपकी बेटियों के सर पे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू।